हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रॉटल कस्टम। आराम से बैठा रहूँ। आज हम सीखेंगे कि एक बाइक का ऑयल कैसे चेंज किया जाए। ये आप देख सकते हैं, गल्फ का प्राइड 40 प्लस। गल्फ जो इंडियन कंपनी है, ये ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑयल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो 160 व्हीकल होती है उसमें 20W40 इंजन ऑयल रिकमेंड किया जाता है। 20W40 एक ग्रेड होती है जो कि बताती है कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है, ऑयल गाढ़ा कितना है और पतला कितना है। वैसे इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 10W30 और 20W40। 20W40 जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है 10W30 से। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे एक नट होता है जहाँ से ऑयल को निकाला जाता है। ये देखिए, नट खोल दिया गया है और ये ऑयल इसमें से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं, खोल दें नट उसको, ये देखिए ऑयल निकाला जा रहा है इसमें से। नट खोलने में थोड़ा, ये देखिए ऑयल निकाल रहे हैं उसमें से। आप भी एक नट खोल सकते हैं आराम से। क्या है कि अभी उस नट में थोड़ा कचरा था। ये देखिए अब नट खोलने वाले हैं हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ से नट खोला जा रहा है, अभी ऑयल एकदम से इसमें से निकलेगा। ये देखिए ऑयल, पूरा ऑयल बाहर आता हुआ है इसमें से। ये वाला नट आपने खोल दिया है, ये देखिए ऑयल इसमें से पूरा बाहर आता जा रहा है। ये आपको पूरा 900 ml ऑयल लेना है, कहीं से भी आप लें तो 900 ml ऑयल लें। अगर आपकी कोई से भी 150 cc के ऊपर की व्हीकल है तो ये स्पेशली रिकमेंड करता हूँ 20W40 ही लें, क्योंकि जो स्पोर्ट्स व्हीकल होती है उनमें थोड़ा गाढ़ा ऑयल चलता है। थोड़ी सी गाड़ी को टेढ़ा कर रहे हैं जिससे कि पूरा ऑयल ड्रेन हो जाए उसमें। देखिए आप, थोड़ा ऑयल और आता हुआ तब गाड़ी टेढ़ी करिए, जिससे कि पूरा ऑयल ड्रेन हो जाए और कोई अंदर जला हुआ ऑयल बचे ना गाड़ी में। वैसे तो ऑयल की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कैस्ट्रॉल हो गया, मोटुल हो गया, बट हमने गल्फ को चूज़ किया क्योंकि वो एक इंडियन कंपनी है। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करें, तो इससे इंडिया को भी फ़ायदा हो और आपकी गाड़ी में भी ऑयल अच्छा हो। ओके, ये भी सारा ऑयल निकल चुका है, तो इस नट को अब वापस कस दिया जाएगा। सारा ऑयल अब ड्रेन हो चुका है गाड़ी में से। ये मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ। ये जो नट होता है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला नट होता है जिसमें से ऑयल निकालते हैं, ये वाला नट होता है। ये देखिए, इसमें से पूरा ऑयल निकल चुका है। मत मार के, ऑयल नहीं आ रहा, पूरे निकल गया, हो गया पूरा, हो गया। ये देखिए, आप थोड़ी सी किक मारी थी, इसमें थोड़ा और ऑयल आ चुका है। पूरा ऑयल ये देखिए निकलता जा रहा है, सारा ऑयल निकलता जा रहा है, पूरा ऑयल। अब हम इस बोल्ट को वापस कसने जा रहे हैं जो कि ड्रेन होता है जहाँ से ऑयल। ये देख सकते हैं आप, ड्रेन जहाँ से होता है, पहले एक बार जो आपने बोल्ट लिया है उसको पूरी तरीके से आप साफ कर लें, कंफर्म कर लें कि वो साफ है। ये देखिए आप, इस अपन इस बोल्ट को वापस कस रहे हैं, क्योंकि इस बोल्ट को वापस नहीं कसेंगे तो जो नया ऑयल डालेंगे वो भी फैल जाएगा। ठीक है, तो इस बोल्ट को वापस कस दीजिए। 12 नंबर का सॉकेट इस्तेमाल करें, 12 नंबर का सॉकेट इसमें इस्तेमाल करें नट को कसने के लिए। रिंग पाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल पाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस नट को वापस कसने के लिए। ये देखिए, आप इसको पूरा टाइट कर दें एंड में, हल्का सा टाइट करें, बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, जिसमें कि आपका कंफर्मेशन हो जाए कि ऑयल बिल्कुल सेफ है। ये जब आप नट टाइट करते हैं तो एक कट की आवाज़ आएगी, जब पूरी तरीके से टाइट हो जाता है, तो उससे ज़्यादा इसको टाइट ना करें, क्योंकि इससे आगे की जो चूड़ी रहती है उनमें प्रॉब्लम होते हैं। आप यहाँ से, हमने ये खोल लिया है यहाँ से ऑयल डाला जाता है। ये देखिए, आप भी देख सकते हैं गाड़ी में, हर गाड़ी में होता है ये। अब ये देखिए, इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, ऊपर देखा ऑयल डाल रहे हैं। देखिए ऑयल, ये अपना बल्ब का ऑयल है।
रेड एंड कलर में आता है। ये जो गल्फ का ऑयल है ये रेड इन कलर में आता है, और कैस्ट्रॉल का ऑयल जो रहता है वो हल्का सा येलोइश इन कलर रहता है। ये देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, ऑयल धीरे धीरे अंदर जाता हुआ इंजन में। पूरा 900 ml आप ऑयल इंजन में डाल दीजिए, इतना पूरा ऑयल इंजन में यूज होता है। आप देख सकते हैं पूरा ऑयल खत्म हो गया है। देखिए आप, इंजन में पूरा ऑयल भरा चुका है। ये देखिए आप, ये पूरा ऑयल जब अंदर इसमें अपन डाल चुके हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ऑयल अंदर की साइड आपको दिखेगा। ये देखिए आप, ये देखिए ऑयल पूरे में भरा हुआ है अंदर, गेट से दिखा देते हैं। देख सकते हैं। ये देखिए आप, रुकना, ये देख सकते हैं आप, वापस इसको कस दीजिए। ये देख सकते हैं गेज ऑयल से भी में, आप देख सकते हैं इसमें ऑयल। ऑयल चल रहा है, इसको लगा दें। आप ये वापस से जहाँ से एंट्रेंस रहता है ऑयल का, इस गेज को वापस कस दीजिए और उसे टाइट कर दीजिए। तो टाइट करने के बाद आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम थ्रॉटल कस्टम। एंड एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट योर व्हीकल, हॉर्नेट, पल्सर, एक्टिवा, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।